तो आज रुड़की की बहुत बड़ी समस्या जो हमारा रुड़की का यूथ है, 70% बच्चे जो 12th करने के बाद रुड़की को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि जब बाबा रामदेव एक आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस के अगेंस्ट में आंदोलन था, कांग्रेस के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आंदोलन था, तो वो कहीं ना कहीं वो दिखा कि भाई वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्टियां हैं, सभी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है। हो सकता है कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो वो पार्टी सड़क बिजली पानी तक सिर्फ दिखाती है कि सड़क नहीं तो बिजली पानी। आइडियोलॉजी तो फिर जनता के हाथ में आएगी ना, फिर परिवर्तन जनता करती है। 2022 के इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, 8 से 10 महीने बचे हैं, लोग अपनी तैयारियां करनी शुरू कर चुके हैं, जगह जगह पर अपने काम करना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि सभाएं भी शुरुआत हो चुकी है। कारण क्या है? क्योंकि 2022 के इलेक्शन को जीतना जो है सरकार बनानी है, पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी करनी शुरू कर चुकी हैं। इस मुद्दे को लेकर के, बहुत सारे इस विषयों को लेकर के हम रुड़की विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं सुबोध कुमार यादव जी, जो कि भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के पूर्व मंडल प्रभारी रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि जब बाबा रामदेव एक आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस के अगेंस्ट में आंदोलन था, कांग्रेस के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आंदोलन था, तो वो कहीं ना कहीं वो दिखा कि भाई वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए अखिलेश जी, ये जो आपने बात कही ना कि कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन था, मैंने कहा मेरे हिसाब कांग्रेस के से खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के था। बात आप, अब मैं इसको बताता हूँ ना, उस समय जो आंदोलन पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में खड़ा हुआ, जी ये व्यवस्थाओं के विरोध में था। हम्म, सत्ता में कोई भी हो सकता है, सत्ता में उस समय कांग्रेस थी, तो इसलिए ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उनकी नीतियों का विरोध हमने पुरजोर तरीके से पूरे भारतवर्ष में किया, जी और लोगों को भी ये समझाने की भी कोशिश की कि भाई जब आप वोटिंग करते हैं नगर पालिका के पार्षद, नगर पालिका का मेयर, प्रधान, BDC मेंबर, ये सब कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। मान लिया गांव का एक प्रधान है तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वहां का जो बेसिक स्कूल है उसकी देखभाल करेगा, सड़क कैसे बनेगी। बिल्कुल। लेकिन जब आप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आप वोटिंग करते हैं तो एक वोटर को नीतिगत तरीके से अपनी वोट को डालने के लिए सोचना चाहिए, जी केवल इस बात को देखते हुए नहीं कि भाई हमें इस पार्टी को ही वोट देना है। विधानसभा में क्या पार्टी का महत्व तो नहीं है? क्योंकि विधान जब हम इलेक्शंस, लोकल इलेक्शंस की बात करते हैं, लोकल बॉडी की बात करते हैं, जैसे निगम की बात हो गई, पार्षदों की बात हो गई, प्रधान की बात हो गई, उसमें लोकल बॉडीज की बात होती है। लेकिन जब हम आप पॉलिसी की बात भी करने जा रहे थे, तो पॉलिसी को लेकर के तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो पार्टियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नहीं, पार्टी पार्टी आप, मेरा विधायक मेरा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है मेरी असेंबली में। आज उत्तराखंड का जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमारी विधानसभा में कौन करेगा? आपके विधायक? हमारा विधायक करेगा बिल्कुल। ना, वो किसी भी पार्टी से हो सकता है मेरी विचारधारा का ना हो, मेरी पार्टी से संबंधित ना हो, लेकिन जब वो जीतने के बाद विधानसभा में चला गया तो उसको अपने विधानसभा क्षेत्र के विषय में किस प्रकार से वहाँ की नीतियाँ बने, किस प्रकार से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अब आज आप मोटे मोटे तौर से, मैं 4 दशकों की राजनीति में अच्छी तरीके से ध्यान है, 2 दशक की राजनीति माननीय सुरेश जैन जी विधायक रहे हैं हमारे यहाँ, उन्होंने मुझे लगता है कि नीतिगत कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा काम हमारे यहाँ नहीं किया, जी या कुछ है तो आप मुझे बताओ। आज हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल है, सत्यनारायण सिन्हा जी के समय में वो स्थापित हुआ था, बिल्कुल। अगर उसके ऊपर लगातार हमारे आने वाले विधायक और सांसद काम करते तो आज वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरह से हम ये डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती थी, मतलब मेडिकल सेक्टर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट हम डेवलप कर सकते थे। डेवलप कर सकते थे और एक अच्छी मेडिकल एड यहाँ के लोकल लोगों को, आप छोटी सी भी परेशानी के लिए सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ डॉक्टर ना मिले आपको, हो सकता है आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में ना आ रहा हो,
बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटा हार्ट की हल्की सी प्रॉब्लम होगी, आपको रुड़की छोड़ के दूसरी जगह जाके ही इलाज कराना है। मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ रुड़की में उतना बेहतर नहीं है सरकारी अस्पताल को लेकर के? सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी जो व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि वो हर आदमी उसको बेयर करना उसके लिए संभव नहीं होता। आप शहर को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए क्या प्रोग्राम आज तक किसी विधायक ने बनाया? बिल्कुल, मैं पिछले 4 दशकों की मैं बात आपको कर रहा हूँ जो मेरे ध्यान में है, जो मेरे संज्ञान में है, कि शहर के लोग स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए उनको जागरूक कैसे करें। तो भाई, ये हो सकता है ना कि स्वस्थ रहना है, स्वस्थ का विषय जो है चूंकि पतंजलि का एक वर्क है, इस वजह से शायद आप सिर्फ पतंजलि की बात कर रहे हैं। पतंजलि अपना उनका एक अपना एक के पूज्य स्वामी जी का मिशन है, अपना व्यक्तिगत मिशन उनका है, और वो अपने हिसाब से जितना उन्होंने किया है एक व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि वो उन्होंने लगभग हजारों लाखों लोगों के काम को उन्होंने अकेले कर दिया। लेकिन जो नीतिगत व्यवस्थाएं हैं जो एक बार स्थापित होती हैं और 50 साल 100 साल चलती हैं, बिल्कुल मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप जैसे अभी आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपने बात कही, तो बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा और कैसी कौन सी सुविधाएं जो आपको लगता है कि नहीं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए और है नहीं? देखिए भाई साहब, ये सब चीजें तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना ऑलरेडी, सौंदर्यकरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे कि टाइल्स लगी हैं। अखिलेश जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इन सब को काम इन सब कार्य को करने के लिए हमारे पास एक अलग से संस्था है नगर निगम, ये विधायक निधि में होगा ये काम, तो वो आप विधायक जी को उन्हें वहाँ अपना बजट देना चाहिए ना, वो काम वो करेंगे। आपको अपनी एनर्जी जो लगानी चाहिए पॉजिटिवली इस काम में लगानी चाहिए कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो 50 साल तक मेरे शहर के किस तरह से काम आएगा। आप ये बताइए, पिछले 20 वर्षों में रुड़की शहर की जो बेसिक एजुकेशन का सिस्टम है वो सुधरा है या उसकी हालत बद से बदतर हुई है? एजुकेशन को लेकर के अभी या किसी विधायक का या किसी जनप्रतिनिधि का कोई, मुझे आप ये बताइए कि ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट रहा हो कि भाई ये चीज सुधरनी चाहिए। ये बात तो ठीक है कि प्राइवेट निजी जो वैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन वो डेवलप हुए हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, किंतु गवर्नमेंट का बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज किया गया है ये, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि शायद आम आदमी पार्टी को दस्तक देनी पड़ी उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी क्योंकि वहाँ एजुकेशन को लेकर के खासतौर पर मनीष सिसोदिया जी जब भी आते हैं कहीं भी जाते हैं तो वो अपने प्राइमरी स्कूल्स को ही प्रमोट करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं रादर देन प्राइवेट स्कूल्स के। बिल्कुल, आप अगर वो ये बात कहते हैं हाँ, और लोगों को लगता है कि भाई ये उन्होंने इस चीज़ को दिल्ली में स्थापित किया है, तो उनकी बात को समझना चाहिए, यहाँ की सरकारों को भी समझना चाहिए। आप मान लिया दिल्ली में गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो उससे कोई ऐसी प्रेरणा लेके ये उनका ठेका थोड़ी हो गया कि भाई वही करेंगे इस काम को। लेकिन होता है ना कि फिर हम पार्टियां हैं, सभी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है, हो सकता है कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं वो पार्टी सड़क बिजली पानी तक सिर्फ दिखाती है कि सड़क बिजली। तो आइडियोलॉजी तो फिर जनता के हाथ में आएगी ना, फिर परिवर्तन जनता करती है, पुरानी सरकारों की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आई लोगों के, तो लोगों ने उसको बदल दिया। जैसे भाजपा अगर नहीं आती है तो आपको कष्ट होता है कि क्या होता है? कष्ट होता है, हमने अच्छा भाजपा को सपोर्ट करते हैं। भाजपा अगर मेरी पार्टी, मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी का नुकसान ना हो तो मुझे ये बात कहनी पड़ेगी ना कि ये जरूरत है हमारे क्षेत्र में। लेकिन आप अपने विधायक के खिलाफ जाकर के बोलेंगे तो पार्टी, मेरा पार्टी, नहीं है। पार्टी नहीं आपका विधायक इसलिए क्योंकि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। अखिलेश जी जो हमारा और राजनीतिक इसके पहले टिकट की भी अगर दावेदारी अगर आपने की है तो आपने भारतीय जनता पार्टी से की है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से करूंगा। मैं कह रहा हूँ विधायक किसी दल का नहीं होता, क्यों अखिलेश वही दल के वही लोग मिलकर जब ही तो सरकार बनाते हैं। आप जो व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था है कि जब तक वोट डले और वोट का रिजल्ट डिसाइड हुआ भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, जब वो विधायक बन गया तो वो
पूरी विधानसभा का काम करेगा या केवल उनका करेगा कि भाजपा का आदमी पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी पूरी विधानसभा की बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो ये कहेगा कि मुझे इस जाति के लोगों का काम नहीं करना, इसका करना है? ये व्यवस्था ठीक है आपके हिसाब से? नहीं नहीं बिल्कुल। और यदि पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आज बता रहा हूं आपको जिस कारण से कांग्रेस का पतन हुआ है, अगर पार्टी के कार्यकर्ता इन चीजों को, नीतियों को विरोध नहीं करेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जब आते हैं हमारे साथ, जब बैठते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि नहीं, जैसा पार्टी निर्णय ले। आप भी कह दीजिए कि जैसा पार्टी निर्णय ले। कमाल है, पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, पार्टी ने ओवरऑल सिस्टम को देखते हुए एक निर्णय ले लिया। कुछ मजबूरियां होती हैं। उत्तराखंड का एक ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे पहाड़ और पर्वत दो तरह की जो जीवन शैली है वो अलग अलग प्रकार से चलती है। बिल्कुल। तो यदि ज्यादा विधायक पहाड़ के हैं तो वो पहाड़ से जो विधायक आए हैं तो वो कोशिश अपने यहां से करेंगे भाई हमारे हिसाब से डेवलपमेंट हो। लेकिन जो हमारा विधायक है उसकी जिम्मेदारी आप बताइए कैसे तय होगी? वो तो अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मतलब ये है कि अगर कोई आप मतलब आपके विधायक हैं तो आपके वहाँ के उस विधानसभा से संबंधित ही चीज़ें पुट डाउन करें, पुटअप करें ताकि वो उसका समाधान हो सके। जब मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरी रुड़की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पिछले 10 साल में विकास हुआ होगा? विकास की एक सबके अपने अपने मानदंड, परिभाषाएं सबके अलग, सबकी अलग अलग है ना। एक आदमी कह रहा है कि केवल सड़क बनाना ही विकास है, मेरे हिसाब से तो वो विकास नहीं है। मेरे हिसाब से विकास हुआ है जो आपके ही आसपास बोट क्लब के आसपास ही सड़क बन रही है, तो वो तो विकास हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ना कि आपके आसपास की भाई सड़क अच्छी बन गई, अच्छा दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा, वहीं पर मैं सौंदर्यकरण देख रहा हूँ। अच्छा, वो सड़क कहाँ जा रही है? सिविल लाइन में जा रही है। सिविल लाइन्स में जा रही है वो? ऐसी कोई सड़क मुझे बताओ कि किसी विद्यालयों को कनेक्ट करने के लिए बनी हो, स्पेशली कि ये विद्यालय तक जाने वाली सड़क खराब है तो वो सड़क का डेवलपमेंट हुआ हो? मतलब आज ये यहाँ पे ये वहां पे साइकिल बच्चों की खड़ी करने की जगह नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाई हो? डेवलपमेंट का मतलब है कि आज आप यदि कोई नीति अपने क्षेत्र के लिए लागू करते हैं वो कम से कम 100 साल तो काम आए लोगों को यहाँ पे। मतलब ऐसा आप काम चाहते हैं कि अपने विधायक से कि अगर कोई काम करें तो कम से कम उनके जाने के बाद भी 50 सालों तक उनको कोई याद करे इस विषय को लेकर के, उस काम को लेकर। आप ये बताओ कि सत्यनारायण सिन्हा जी ने सिविल हॉस्पिटल में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको यहाँ पे स्थापित कराया था? बिल्कुल। और आज तक सत्यनारायण सिन्हा जीवित है कि नहीं रुड़की के अंदर? बिल्कुल जीवित है, क्योंकि इंसान के कर्म ही जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया, तो ये हमारी नीतियों की तो समस्या है ना भाई साहब। मतलब ये कि आप खासतौर पर मैं समझ रहा हूँ जो दो विषय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं जोड़िए, इन पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज भले ही आपको अपने विधायक और अपने विधानसभा के विधायक के खिलाफ जाना पड़ेगा। आज आप ये पार्टी आज एक बड़ी समस्या सामने आती है कि सरकारी सिस्टम के लोग काम नहीं करते, उसका मेन कारण बताओ क्या है? क्योंकि उनको उनको ठीक प्रकार से एजुकेट नहीं किया गया, उनके अंदर राष्ट्रवाद की कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। अगर आप जो अच्छे अधिकारी काम करने वाले हैं वो पूरी परेशानी में रहते हैं पूरी अपनी सर्विस की, जितनी उनकी आयु है सर्विस की, तो अखिलेश जी मेरा इसमें इतना कहना है कि जो नीतिगत पद है जहाँ पे आपके लिए भविष्य के लिए चीजें तय होनी है, आज मैं स्टूडेंट हूँ, कक्षा 12 का छात्र हूँ मैं, जब अगला विधायक कोई आएगा तो मुझे या तो डिग्री कॉलेज की जरूरत है या मुझे रोजगार की जरूरत है। obviously, obviously. बिल्कुल बिल्कुल। अगले 5 साल बाद अगर उस विधायक ने उस टॉपिक पे काम नहीं किया तो मैं 5 साल बाद मेरी क्या स्थिति होगी, आप इस बात को समझो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब आपको उन डिबेट्स में भी बैठना पड़ेगा जहां पर विधायक के प्रतिनिधि भी बैठे हैं या विधायक जी भी बैठे हैं और आपके उन सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में कि जब बच्चा 12वीं क्लियर करके निकल रहा है तो उसके भविष्य की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं, और मैं बार बार कहता हूं, पॉलिसी मेकर्स के पास होती है। मैं बार बार कहता हूँ आज रुड़की की बहुत बड़ी समस्या जो हमारा रुड़की का यूथ है, 70% बच्चे जो 12th करने के बाद रुड़की को छोड़ के चले जाते हैं केवल पढ़ने के लिए। और ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी चीज होती है, आपके यहाँ से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आप जो बच्चे बाहर निकल रहे वो वापस आ नहीं रहे, वो वापस कैसे आ रहे हैं? उनको आज रुड़की के अंदर ऑनर्स में आप बीए की कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते, बीकॉम करने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। रुड़की का बच्चा एक बीए करने के लिए दिल्ली गया,
दिल्ली में जाने के बाद वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के वो वापस रुड़की सेटल होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए आपके ह्यूमन रिसोर्स जो कि बहुत बड़ा रिसोर्स कहा जाता है उसका भी कहीं ना कहीं आप नुकसान कर रहे हैं और ये इससे रुड़की के विकास पे कहीं ना कहीं एक स्पीड करने को आप डाउन की तरफ जा रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं अखिलेश जी, किसी भी राजनीतिक दल की ऐसी नीति नहीं है कि वहां की लोकल जनता अपने विधायक पर दबाव बनाने की स्थिति में ना हो किसी काम को करने के लिए। यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप अपने जनप्रतिनिधि से यदि कहते हैं तो ये पार्टी से विद्रोह नहीं होता। मान लिया मैं अगर विधायक से अपने विधायक जैसे ये कहता हूं कि विधायक जी मुझे यहाँ एक स्कूल की जरूरत है, रुड़की के लोगों को एक स्कूल की जरूरत है, तो ये पार्टी से विरोध की वाली परिभाषा नहीं बननी चाहिए इसकी। मतलब ये जो है विकास की परिभाषा बननी चाहिए ना कि पार्टी के से बगावत की। आप मेरी बात तो यही है, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आई है। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इस बात से समझ गए होंगे कि सुबोध कुमार यादव जी का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो जिस लिए विधायक बनाया गया है उस काम को करें, उस पर्सपेक्टिव में काम करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, सड़क बिजली पानी की जो बात है वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं नगर निगम उस पर कर रहे होते हैं। और एक बात और भी है जो हम इस पर फ्यूचर में जरूर चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के, कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हर व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो रहा होता है, वो प्रधान खड़ा हो रहा होता है, पार्षद खड़ा होता है, मेयर खड़ा होता है, या इलेक्शन विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, सड़क बिजली पानी पर हमें वोट दो। इतने साल देश आज़ाद हुए हो गए और 73 साल बाद भी हालात ये हैं कि हम सड़क बिजली पानी पर ही वोट मांग रहे हैं और हर एक सेक्टर सिर्फ सड़क बिजली पानी पर ही वोट मांग रहा है। बाकी सब अपनी पॉलिसी, बाकी सबके अपने कार्य क्या हैं, कार्य क्षेत्र क्या है, उस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे कि विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उनके पास डोमेन क्या होता है, निगम का डोमेन क्या होता है, पार्षदों के डोमेन क्या होते हैं, जिला पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो उसके डोमेन क्या होते हैं, ये जानकारी भी हम आपको दर्शकों इस चैनल के माध्यम जरूर देंगे ताकि आप अपने मस्तिष्क से अपने विवेक का इस्तेमाल करें और फ्यूचर में जब कोई इलेक्शन हो तो आप उसमें उस विवेक का इस्तेमाल करके सही व्यक्ति का चयन कर सकें। अच्छा, लास्ट में एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं कि विधानसभा के इलेक्शन में पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या व्यक्ति? नीतियां महत्वपूर्ण रहेंगी। तो व्यक्ति तो नीतियां, अच्छा व्यक्ति की नीतियां महत्वपूर्ण रहेंगी, व्यक्ति की या दल की नीतियां महत्वपूर्ण रहेंगी? क्षेत्रीय नीतियां को क्या है, विधान क्या बात करूं मैं, जब भी मैनिफेस्टो आता है तो हर पार्टी हर व्यक्ति अपना मैनिफेस्टो जारी कर देता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो वो नीतियां, देखिए नीतियां दिखाना और नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित करना, उसको लागू कराना, वो दूसरा विषय हो जाता है। मैं चार दिखा करके देख करके वोट तो कोई भी कर देता है। मैं 4 दशक से वोट कर रहा हूं मान लीजिए जी, और 4 दशक बाद भी अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे वोट किस हिसाब से करना है तो ये भी दुर्भाग्य है देश का। ये वोटर को जागरूक होना पड़ेगा और इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, वोटर प्रत्येक व्यक्ति को, कि आज यदि आपका कोई विधायक या आपका कोई प्रतिनिधि चुना गया है जी, तो वो किसी एक पार्टी का नहीं रहा, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, वो किसी एक दल का नहीं है, वो पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि है जी। और उसको हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। उसमें ये नहीं है कि भाई कांग्रेस का, मैं कांग्रेस मान लिया एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, आज भाजपा के विधायक यहाँ पे स्थापित है, तो मुझे यदि कोई समस्या है या मैं कोई बात कहना चाहता हूँ तो वो केवल इस वजह से कि पार्टी हमारी अलग अलग है तो वो बात कही ना जाए, तो ये परंपरा बदलनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपकी बेसिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, वो सुविधाएं जो आपको आपने जिस वजह से वोट किया था वो नहीं दे पा रहे, वो आपको सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, तो आप आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है, आपका अधिकार है और अधिकार कई बार मांगना पड़ता है, नहीं मिलता है तो कई बार सड़कों पर उतरना पड़ता है, क्योंकि आपने वोट भी इसी चीज़ के लिए दिया था कि आपकी बेसिक सुख सुविधाएं मिलें, जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं आप तक वो पहुँचें, वो सुविधाएं पहुँचें, अगर नहीं पहुँचती है तो आपके हिसाब से आंदोलन करें, आंदोलन करने में कोई खराबी नहीं है, और खुल करके बोलें, स्वतंत्र तरीके से बोलें, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप तो इस तरीके से सबको आंदोलनकारी बना देंगे, मैं समझता हूँ सड़कों पर सब उतरे रहेंगे और आप भी कहेंगे हाँ ठीक है आओ मैं भी। नहीं, आंदोलन अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है, आंदोलन तो बहुत बड़ा स्टेज है, आंदोलन तक पहुंचना तो बहुत, क्योंकि हम इस स्टेज से गुजरे हुए आंदोलन वाले, आंदोलन एक बहुत बड़ी बात है। आज व्यक्ति मान लिया मैं भाजपा से की विचारधारा हूँ व्यक्ति और मेरा विधायक गलत बात कर रहा, तो मैं उसको भी विरोध करने की कहने की स्थिति, विरोध की तो बात छोड़ दो, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ।
तो मतलब ये मैं उदाहरण देता हूँ कि मुझे ये बात व्यवस्था पसंद नहीं थी कि नगर निगम चुनाव में जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनको अवॉइड करके बार बार उनके साथ कुछ ना कुछ छल कपट करके मैं उसमें सिस्टम में जाके शिकायत की। तो अब कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों को ये रहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है ये, तो उसका विरोध का भी सामना करना पड़ता है इस तरह के काम में। परंतु जो सही है उस बात को ज़्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि भाई ये बात ठीक है, मतलब सही चीज़ का आप सही के साथ खड़े रहिए, तो एक दिन दुनिया और समाज आपके साथ खड़ा रहेगा और सही के साथ, क्योंकि अंत में जो विजय होती है वो धर्म की होती है। अब देखना होता है कौन धर्म है कौन अधर्म है, कौन धर्म की या साथ दे रहा है कौन अधर्म का साथ दे रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बैठे इस स्टूडियो में और मैं समझता हूँ कि खुलकर आपने चर्चा की, खुलकर आपने वो बात कह दी, अपने विधायक के खिलाफ भी बोलते हैं और अपने पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, पार्टी से टिकट भी मांगते हैं, बड़ा थोड़ा सा ऐसे सारे विषय हैं। इन विषयों को लेकर के बार बार आपके साथ हम मुलाकात जरूर करते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर ऐसा कोई तो है कम से कम जो अपने पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, मतलब कुछ उसको नया तो चाहिए। देखिए कोई बात कहनी वो पार्टी के खिलाफ बोलना, ऐसा बहुत बार होता है अखिलेश जी कि पार्टी को पता ही नहीं कि समस्या क्या है, विधायक जी कह नहीं पा रहे विधानसभा में हाउस में, तो यदि मैं उस बात को कह रहा हूं तो वो पार्टी का विरोध नहीं समझना चाहिए कि भाई पार्टी का विरोध होता है कि पार्टी ने कोई मान लिया देश के प्रधानमंत्री ने एक योजना दी, गरीब कल्याण आवास योजना आई और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा समाज में और मैं उसको कह रहा हूँ भाई इसको करो, तो अब पार्टी ये कहने लगी कि भाई ये मैं हम पार्टी का विरोध कर रहा, तो ये तो वो विरोध पार्टी, वो विरोध पार्टी का नहीं, विरोध जो है उसके द्वारा किए गए व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाने वाली बात है। दोस्तों आज का हमारे डिबेट आपको कैसा लगा, ये जो विषय है जिस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको आपके विधानसभा के विधायक के खिलाफ, अगर खिलाफ का मतलब अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आपके हिसाब से बोलना उचित है या नहीं उचित है, ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके विचार हैं कि हाँ समर्थन कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए या अपनी बात तो खुल के रखना ही चाहिए कम से कम, वो नीतियाँ लागू हों, आपकी बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए पर कहना बहुत ज़रूरी है। इस विषय को लेकर के आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट जरूर कर दीजिए। YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो का बटन दबा लीजिए। दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।